आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार में आने के बाद लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन टूल्स को हमारी सुविधा के लिए बनाया गया था उन टूल्स का लोग बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक फेक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसे अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग एक्स पर देख चुके हैं। दरअसल इस वीडियो को डीप फेक ऐप की मदद से बनाया गया है और किसी और के वीडियो पर बेहद बारीकी के साथ एक्ट्रेस का चेहरा चिपका दिया गया है। डीप फेक ये एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है जिसमें AI का उपयोग करके मौजूदा फोटो या वीडियो में एक व्यक्ति को किसी और की फोटो से बदल दिया जाता है। AI की क्षमता की वजह से फेक वीडियो को पहचान पाना आम नागरिकों या यूं कहें जिन्हें टेक्नोलॉजी की कम समझ है उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन जैसा। वो आसानी से किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। यहाँ लोग असली और नकली का फर्क नहीं समझ पाते और जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये वीडियो उन सब के लिए है जो सोशल मीडिया पर बिना कुछ सोचे समझे अपने पर्सनल वीडियोस या फोटोज डालते चले जाते हैं, क्योंकि ये फेक वीडियो सिर्फ एक एक्ट्रेस का नहीं है, ये कल को आपका भी हो सकता है। इस बात की समझ रखते हुए अपने फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पे शेयर करें। इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस लिफ्ट के अंदर आती हुई दिख रही है जिसमें उन्हें बोल्ड अंदाज में दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई ये है कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 8 अक्टूबर को जारा पटेल नाम की एक महिला के द्वारा अपलोड किया गया था। जारा पटेल की बॉडी का इस्तेमाल कर डीप फेक ऐप की मदद से रश्मिका मंदाना का चेहरा इस वीडियो पर लगा दिया गया। जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जैसे ही जारा पटेल वीडियो में लिफ्ट के अंदर घुस रही हैं, तभी उनका चेहरा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से बदल दिया जाता है, जो साफ बता देता है कि ये वीडियो फेक है और इसे AI टूल की मदद से बनाया गया है। इस वीडियो पर बॉलीवुड स्टार बिग बी अमिताभ बच्चन ने रीपोस्ट करते हुए लिखा भी है, यस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर लीगल। ये उन सब के लिए संदेश है कि वक्त रहते संभल जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से ही लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपके साथ कुछ ऐसा ना हो इसलिए अपनी निजी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचें, क्योंकि इन्हें गलत तरीके से एडिट करके कहीं भी दिखाया जा सकता है। संभव हो तो अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखें और कम से कम जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। यहाँ पर सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।